तो नाचने में मजा आ गया, ज्यादा हो गया। सुनो हीना। हाँ जी, आ गए आप लोग? हाँ, हम तो पहले ही चले आए, आने वाली है दुल्हन भी। इसने रातों पी का पूरा खर्च उतारा है वहाँ। इसे छोड़ो, चलो दुल्हन आ गई। दुल्हन आ गई, जाओ वो उतारो। भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उतार लो, उतार लो भाई, उतार लो। हाँ, निकलो जल्दी। माशाल्लाह, इतनी उतार लाओ, उतार लाओ, उतार लाओ। लिया के भाई, अरे पड़ जा पीछे को। लिया आके? हाँ, बिलाया नहीं। हाँ ले आएंगे, मैं सिर बलाऊंगा धर के ले आएंगे और देखेंगे वहाँ। तेरे माथे आली बिंदी ने, अरे ठोडी आली तिल ने, तेरी देख सादगी मर जानी ना मिले तसल्ली दिल ने। अरे पीछे को पड़ जाओ भाई, आगे। छोटी, हाँ। पटला लेके आ देवरानी के लिए। क्या कह रही है अम्मा? सवेरे सामने मुंह दिखाई करने। हाँ ठीक है ठीक है, सुबह आ जाओ मुंह दिखाई पे। ठीक है माँ जी, सुबह आ जाना। छुआरे बट रहे गे। अरे वहाँ तो वैसे छुआरे कम पड़ गए। अब भाई जान, इसे इतनी क्यों पिलाई शर्म नहीं आई पीते हुए? इसे फिर की माल्टा मिल गई, पता नहीं कहाँ पी आया यू। तो और भी पीऊंगा। पड़ जा नीचे। और पीऊंगा। थोड़ा घूंघट कर लो, जेठ बैठे हैं। देवर जी, एक बात बताओगे? हाँ बताओ बताओ। अब हमें क्या इनाम मिलेगा? इतनी सुंदर देवरानी लेके आए हैं तुम्हारे लिए। सुंदर देवरानी लेके आए हैं भाई। जब तुम दोनों आई, जब किसने नाम दिया देख लो भैया। अरे कोई बात नहीं, इनका हक बनता है। दे दो जो भी देना है दे दो। मैं कहाँ दे दूँ? अब होते तो वो दे देते, मैं तो तुम्हारे से सहारे हूँ भैया। और एक वो 10 रुपया पड़ा, मैं कहाँ दे दूँ? अरे मैं अपने आप दे दूंगा, तू पड़ जाने से। अरे वाह देवर, तुम तो बहुत चालू हो। बहु रखोगे तुम और पैसे देंगे ये देख लो भैया। अरे पैसे हम दे देंगे, सबर करो, मेरे भाई का ब्याह है। हमें सबर ना है, पूरे गांव में सबसे सुंदर बहू लाए हैं। हाँ, और खाला से कह के खूब सिफारिश लगवाई है जब निकाह हुआ है, वरना यूं ही रंड में घूमते पूरी गांव की औरतों को देखते हुए। भाभी भाभी, तुम तो मेरी प्यारी भाभी हो, अपनी हो गए ऐसी बेइज्जती कर रही हो। देख लो भैया, बेइज्जती कर रही है। अरे छोड़ो, हम दे देंगे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हाँ हाँ, कोई भी दे दो, हमें तो बस नेक चाहिए। चलो लो, हम देते हैं। ये लो 5,000 रुपए, दोनों बांट लेना। 5,000? तुम्हें इतने देने की जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं, तुझसे ज्यादा प्यारे है क्या पैसे? अरे तेरे लिए तो हम जान निछावर कर देंगे, तू मेरा छोटा भाई है। बयामीन 100 रुपए। अरे पड़ जा परे को, 100 रुपए अभी पिला दूंगा तुझे। हमारा भी तो देवर है क्यों बाजी। प्यारा तो है पर नेक तो बनता है, क्यों रुकसाना। तुम जानो भाई जान, मैं क्या कह सकती हूँ, घर की बात है। अब तो घुसा, अब तो राजी होगी दोनों हैं? अब तो घर में बढ़ने दो। आए हाए, बड़ी जल्दी हो रही है घर में घुसने की। अरे तुम्हारा नेक मिल गया ना, अब चुप करो। अच्छा अब तुम ये बताओ, मेरे साथ बाजार कौन कौन चल रहा है? बोलीने का सामान भी तो लाना है। हम चलेंगे भाई आमीन, पर 100 रुपए का इंतजाम। चल पड़ जा पीछे, पीछे इसे इसे 100 रुपए दे दो पहले। इसे 100 रुपए दे दो पहले। जाओ तो जाओ, जल्दी चले जाओ, सारे मेहमान आ जाएंगे जब जाओगे क्या। हाँ हाँ, हम चल रहे हैं। बाजी जब तक तुम रुक्साना को कुछ खिला पिला दो। ठीक है। अब आ जाएंगे, पी के पड़ा रहने दो, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। तुम रहने दो शेख जी, रुक्साना को अकेली छोड़ के मत जाओ। क्या अब भाभी तुम्हें छोड़ कर जाते हैं भाईजान? क्या तुम भाईजान के साथ ही रहती हो? चुप करो, कहीं तो सही बात कर लिया करो। अच्छा तुम सब ऐसा करो, घर में रहो, मैं जा रहा हूँ अकेला बाजार। ठीक है। सुन भाई, मैं भी चलूंगा तेरी जगह, ले पौवा मैं भी ले। अरे पड़ जा परे को, पिया दूंगा तुझे पौवा, इसने दिमाग खराब कर रखा। माल्टा पिया दो, माल्टा पिएगा ये। ठीक है, आप जाओ भाईजान। रुकसाना बा, कुछ मंगाओ तो भाईजान, बाजार जा रहे हैं, बोल। मुझे कुछ नहीं मंगाना शेख जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? बस शर्म की क्या बात है, मेरे भाई मेरे अब्बू जैसे हैं और मेरी भाभी मेरी अम्मी जैसी हैं, शर्म की क्या बात है इसमें। हाँ हाँ, बताओ बताओ रुक्साना, इसमें शर्माने की क्या बात है? बता दो, अगर तुम्हें कुछ मंगाना हो शर्माओ मत। ये तो मना कर रही है कुछ भाभी, कुछ नहीं मंगा रही हो। चल वह चल, हम चलते हैं।
एक्चुअली तू घर में रह। नहीं यहीं पड़ जा, तू तो ना सबका दिमाग खराब कर रहा है। हम घर में रहे, बाहर रहे, आराम से पढ़ा रहे। आज तो पूरा दिन हो गया, कहीं कोई भीख नहीं मिली। अरे कोई है जो इस साहिल का सवाल पूरा करे? अरे सलमा बाहर जाके देख कौन है दरवाजे पे। अभी देखती हूँ। हाँ बाबा बताओ, क्या लोगे आप? आटा लोगे या फिर पैसे? बच्चा हमने सुना है इस घर में कोई नई दुल्हन आई है। हाँ बाबा आई तो है, आपकी दुआओं से मेरे देवर की शादी थी। अगर हम भिक्षा लेंगे तो उस नई दुल्हन के हाथों लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ठीक है बाबा, ठहरो, आप फिकर ना करो, मैं अभी उसे भेजती हूँ। जाओ लेकर आओ। ठीक है बाबा, आप जाना नहीं। भैया मसाले बढ़िया वाले लाना, जो बिरयानी बेहतरीन बने। मेरी ससुरालिया और उंगली चाटते रह जा। बेफिक्र रह, तू बढ़िया वाले मसाले लाऊंगा। अरे वो बाबा यूं कह रहा कि नई दुल्हन के हाथ से ही कुछ लेंगे हम तो। क्या उसका दिमाग ठीक है? नहीं अरे कोई बाबा बाबा नहीं है, पखंडियो बाहर रहो, जो देना मुझे दे दो, मेरा पो आ जाएगा। चुप करो, मैं उसे भगा देती हूँ, कह दूंगी हमारे ना है भीग भीग। इन्हें मरने दो भाईजान। अम्मी कहती थी अगर कोई भिखारी खाली आ जाए तो खुदा भी नाराज होता है। नाराज मत हो बाजी, अगर भीख की बात है तो मैं दे आती हूँ। रुखसाना ये क्या कह रही हो तुम? अगर ऐसी बात है तो कुछ दे दो जी इन्हें। चल ऐसा कर सलमान से 500 रुपए दे, रुखसाना की आएगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बाबा। इस पर मेरा दिल आ गया है, अगर मैं इसे अपनी कुटिया पे ले जाऊं तो मैं इसे अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। क्या सोच रहे हो बाबा? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुझे अपनी कुटिया में रखूंगा, अपने दिल की मलिका बनाकर। आओ सुनो, देखिए रुखसाना भीख देने गई, आई नहीं अभी तक। भाभी आवाज़ दो, आवाज़ दो। रुखसाना अभी तक दी नहीं क्या भीख? आज सारी जन्म कुंडली पूछ लेगी बाबा से। अरे आवाज नहीं आई, जा बाहर देख का जल्दी। अरे देखो ऐसी भाषण दे रही है। देख के आती हूँ। हैं ये रुखसाना कहाँ चली गई? बाबा भी नहीं दिख रहा। अरे हीना, अरे जल्दी इधर आओ, सुनो जी देखा रुखसाना दिख रही। अरे जल्दी आओ। सुनो क्या बात है, यूं हल्ला मचा रही है। अरे क्या बात आ गई, अरे सब लोग इधर आओ जल्दी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये रुखसाना कहाँ चली गई? वो बाबा भी नहीं दिखाई दे रहा। रुखसाना 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 कहाँ गई? अच्छा ऐसा करो, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा बाबा, ठीक है? चिल्ली कुछ बाबा की चाल लग रही है। अच्छा तुम तो भाभी जाओ, भाभी तुम अंदर जाओ, हम देख करते हैं। जाओ अंदर जाओ, हम भी चल रहे हैं। जाओ तुम भीतर चलो, चलो अंदर चलो, चलो चलो मैं भी चल रहा हूँ भैया। जा इधर देख, जा उधर देखो, मैं उधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ, तुम उधर देखो। पता नहीं कहाँ चली गई रात में। ये कहीं ना मिली। भाई साहब, भाभी 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 क्या हुआ? देवर जी आई क्या? मिली? कहीं भी नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। या अल्लाह रहम भैया, मिली कहीं भी नहीं मिली भैया। भाई मैं तो सारम देखा है, मुझे तो कहीं नहीं मिली वो। अनवर भाई कहाँ? अनवर भी उधर ही कहीं देख रहा होगा, ये तो याद है। कहीं मिली रुखसाना? भाई कहीं नहीं मिली, सारा को धक्का। अरे होश में भी ढूंढी तूने? अरे उधर ठीक हो यार, कैसी बात कर रहा है यामिन तू? चल ठीक है, कहाँ चली गई? अच्छा ऐसा कर, एक्चुअली सुन, देख अब होगी रात। अब ऐसा करो, अब तुम लोग करो आराम, ठीक है?
अब सुबह देखेंगे। सुबह देखेंगे। रुक जाना, ढूंढ कर लाओ। अरे भाई तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, तुम्हारा लाडला है, हम तड़की को ढूंढेंगे उसे, ठीक है? अब आराम कर ले आजा। और सुनो, इधर सुनो, किसी से जिक्र मत कर दियो, इज्जत की बात है, ठीक है? चलो अब आराम करो, सुबह देखेंगे, कोई बात नहीं। चलो चलो देवर जी, सुबह जल्दी उठ के देख लेंगे। चलो हाँ सुबह देखेंगे, जल्दी चलो। भैया भैया बहन जी, आपने हमारे रुखसाना को देखा? जाने कहाँ चली गई, कहाँ नहीं। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ ना ढूंढूं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? रुखसाना कहाँ ढूंढू से यार, पूरा दिन हो गया धक्के खा तू। रुखसाना रुखसाना भैया गई कहाँ? रुखसाना, ओ रुखसाना भाई, इसने भी पूरा दिमाग खराब कर दिया। रुखसाना, यामीन भैया, रात वही वीरान हो रहे। रुखसाना, यामीन भैया, रुखसाना कहाँ चले गए? थक गए, सुबह से ढूंढते ढूंढते ये टाइम हो गया। घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे और ये मुझे भी कहीं नहीं मिली। ऐसा ना हो कभी घर आ गई हो। चलो घर चलता हूँ। भाभी भाभी, भाईजान आए नहीं, पूरी रात से गए भाई साहब, आए नहीं, सुबह हो गई। क्यों भाभी? भाईजान भाईजान मिली रुखसाना? भाई मैंने तो सारे में ढूंढ लिया, मुझे तो कहीं नहीं मिली रुखसाना। भाईजान मैंने भी कई आदमियों से पूछा, नो कह रहे थे बाबा के तो कोई लेडीज वेडीज नहीं थी। देखो जी, हो ना हो मुझे तो उस बाबा पे ही शक लग रहा है, वो पूरा पाखंडी लग रहा। अगर बाजी कह रही है तो भाईजान आप उस बाबा को ढूंढ के लाओ। ये हमारी आन बान शान की बात है, क्या कहेंगे रुखसाना के घर वाले, हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? सही कह रहे हो यामीन भाई, ये हमारे घर के परिवार की इज्जत की बात है। तू ठीक कह रहा अनवर, रिश्तेदारी गांव में हमें कोई मुंह उठाकर बोलने भी नहीं देगा। गलती तो मेरी ही, अगर मैंने बात मान ली होती भाईजान तुम्हारी तो उस बाबा को भीख जाती नहीं, अब मैं रुखसाना को कहां से लाऊं? भैया अब क्या होगा? भाई तू बिल्कुल मत घबरावे, जब तक मैं हूँ, जब तक तेरा भाईजान जिंदा है, जब तक तुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जरूर देख के लाऊंगा, ठीक है? ठीक है भाईजान। या मौला रहम कर मेरे परिवार पे। दिखा मुझे, घूम के दिखा। आओ आओ। ये मैं कहां पर हूं? मेरी बाजी कहां है? मेरे भाईजान कहां है? मेरे शेखू कहां है? चुप कर, कोई भाईजान नहीं,
कोई बाजी नहीं, कोई शेख नहीं, भूल जा सबको, सिर्फ हम हैं बंगाली बाबा। हम तेरे दीवाने तुझे देखकर हो गए थे। क्या कहा तूने? तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? ढोंगी बाबा, पाखंडी, छोड़ दे मुझे, वरना तुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। चुप कर। अगर तेरे पे मेरा दिल ना आया होता तो औरों की तरह तेरी भी गर्दन काट देता। हाँ हाँ, काट दे मेरा सर। तेरे जैसे को अपना बनाने से तो अच्छा है मैं सर ही कटवा लूं। ना 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 ना, तुझे तो हम दिल दे चुके हैं, वरना हमारा गुस्सा क्या है? दिखाऊं तुझे? हाँ दिखा। अब तुझे दिखा के बताता हूँ, राम सिंह की खोपड़ी, वीर सिंह का कड़ा, जहाँ मार दूं बंतर वही मुर्दा खड़ा। देख, गौर से देख, ये वो है जिन्होंने हमारा कहना नहीं माना। चाहे औरत हो या आदमी, जो हमारे मन को नहीं भाया वो गया। बाबा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, तेरा ये गोरा बदन, तेरी ये भोली सूरत, तेरी ये अदाएं, इन्होंने हमारा दिल लूटा है। आज जो हमारा दिल लूट लेता है वो हमारी जान है, जान। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं नहीं, ना जाने देंगे ना मरने देंगे। हंस क्यों रहे हो? मुझे जाने दो बाबा। तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा, समझी? अगर मुझे थोड़ा सा ये टाइम दे दे तो शेख जी मुझे बचा सकते हैं। ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा टाइम मांग लेती हूँ। क्या सोच रही है? मेरे शेख जी मेरे बिना मर जाएंगे, मुझे जाने दो वरना। ज्यादा तर तर मत बोल, ये भी ऐसी बोलती थी। देख देख इसका क्या हाल हुआ। मेरी बात मान जा, मेरी रानी बन जा, मुझे अपना पति स्वीकार कर ले। आ मेरी रानी, आ मेरी रानी। ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है, पर मुझे कुछ समय चाहिए। हाँ, तेरी ये बात मुझे मंजूर है, बोल तुझे कितना समय चाहिए? मुझे 6 महीने दे दो। अगर मेरे शेख जी मुझे 6 महीने में छुड़ा कर ले गए तो ठीक, वरना मैं तुम्हें अपना पति मान लूंगी। ठीक है, जा, तुझे 6 महीने दिए हमने, जा इन कपड़ों को बदल ले। 6 महीने बाद हम तुझे इन कपड़ों को पहनाकर अपने दिल की रानी बनाएंगे, रानी। जाओ आराम करो। कौन छुड़ाएगा तुझे मुझसे, ये मैं देखूंगा। शेखू तू चिंता मत कर मेरे भाई, आमीन भैया गया हुआ है, तू अल्लाह पे भरोसा रख। यामिन भाई, यामिन भाई पता लगा, रुक जाने का है? क्या इसका मतलब? मैं समझ लूं रुक जाना नहीं मिली? बोलो बोलो जी, और ये चिराग? बोलो बोलो भाईजान। बोलो यामिन, कुछ तो बोलो भाई। मैंने बहुत कोशिश की, मैं रुखसाना को नहीं ढूंढ पाया। शेखू मेरे भाई, मैं रुखसाना को जरूर ढूंढ के लाऊंगा, और मैं ढूंढ के नहीं ला सका तो मैं यहां मुंह नहीं दिखाऊंगा।
ये चिराग मैं इसलिए लाया हूँ, मैं इसे जला के जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हो जी? जब तक ये चिराग जलता रहेगा समझना मैं जिंदा हूं, जिस दिन ये चिराग बुझ गया समझ लेना। भाई अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता। रही जीने की बात, जैसे ऊपर वाला रखेगा वैसी जी लेंगे। नहीं, ये मेरे परिवार की इज्जत की बात है और मैं अपने परिवार की इज्जत रखना जानता हूं। अल्लाह भाई जान की रक्षा, मेरे भाई की हिफाजत करना। या मेरे मौला। नमस्ते जी। नमस्ते भैया, जा रहे हो भैया? हाँ जी, कितने पैसे हुए आपके? वैसे तो भैया जी 100 रुपए बनते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कम होंगे तो वो भी चलेंगे। आजी मैंने आपके यहाँ 2 टाइम खाना भी तो खाया है। भैया जी मेरे यहाँ पे खाना फ्री मिलता है। ये लो जी पैसे। ठीक है भैया। और सुनो भैया, जब भी इधर इस इलाके में आओ ना तो मेरे यहाँ जरूर आना। जी मैं जरूर आऊंगा जी। खुश रहो खुश रहो, बड़ा सीधा लड़का है। भाईजान, आपने एक साधु को और उसके साथ सुंदर सी लड़की को जाते हुए देखा नहीं, है? हमने नहीं देखा जी। नहीं देखा। चलो फिर किसी से आगे पूछता हूँ। देवर जी। हाँ भाभी। खाना खाओ तो ला दूं? ना भाभी, मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। अच्छा, जब हमारा इतना प्यारा देवर नहीं खाएगा तो हम खा सकते हैं भला? हम भी नहीं खाएंगे, क्यों जी? सेखू, खाना खा ले भाई। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे भाई जान के आने का इंतजार है, पता नहीं उन्हें कुछ खाना मिला नहीं मिला। सब ठीक होगा। अभी चिराग जल रहा है, तुम खाना खाओ। लाओ भाभी, तुम खाना डाल के लाओ, हम सब साथ मिलकर बैठकर खाएंगे। और अल्लाह से दुआ मांगो। तू क्या सोच रही है? तू खाना नहीं खाएगी? हम भी नहीं खाएंगे, पर पगली भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। तेरे यहाँ का खाना खाने से तो मर जाना बेहतर है। एक बात याद रख, जब आदमी को भूख लगती है तो वो मिट्टी भी खा लेता है। अगर मिट्टी खाने से मेरी इज्जत बचती है तो मैं मिट्टी खाने को तैयार हूँ। ये बात तेरी तब तक सुन रहा हूँ जब तक तेरे 6 महीने पूरे नहीं हो जाते। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा मेरे शेख जी, 6 महीने से पहले ही यहाँ आ जाएंगे। आज तक तो इस कुटिया पर कोई नहीं आया, और जो आया वो जिंदा नहीं गया। दिखाऊं तुझे वो सारी खोपड़ियाँ जो मैंने काट रखी हैं? अभी तो सिर्फ तुझे मैंने 2 दिखाई हैं 2। कोई गम नहीं, मेरी खोपड़ी भी काट कर अपनी खोपड़ी में एक गिनती और बढ़ा लेना। भाईजान,
तुमने एक साधु को और एक सुंदर सी लड़की को जाते हुए देखा क्या? नहीं देखा? भाईजान सुनिए जरा, मुझे रात रात गुजारनी है, इस गांव में कोई रुकने की जगह है? हाँ जी है, यहाँ जमीला भटियारी जी रहती हैं और उन्हें हम खाला कहते हैं। उनके यहाँ रुक जाओ, खाने की व्यवस्था भी मिलेगी और रहने की व्यवस्था भी मिलेगी। भाई वो मकान किधर पड़ेगा गांव में? ये गांव का पहले ही मकान है, नीले रंग का पुतरा होगा और आगे छप्पड़ सा पड़ा होगा, वही है। चलो ठीक है भाईजान। बताया तो उसने नीला कलर था, मुझे लग रहा यही हो सके सर। चलो पूछता हूँ गेट पे आवाज देके, सराय में कोई है? हाँ जी बोलो। अजी परदेसी आदमी था, रात रात गुजारनी थी। हाँ हाँ आओ आओ अंदर आओ। भाई कहाँ के हो, कैसे आए, ये तो बताना पड़ेगा। अजी दूर से आया हूँ, आफत का मारा हुआ हूँ, एक रात आराम चाहता हूँ, जो भी आपका किराया होगा दे दूंगा। देखो हमारे यहाँ एक रात का चारपाई का किराया 100 रुपए लगता है और खाना हमारी तरफ से। ठीक है जी, मैं तो भूखा भी रह लूंगा, बस एक रात आराम चाहता हूँ। ठीक है बैठो, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अगर दूसरा मुसाफिर आया तो मुझे उसके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा, थोड़ी देर में बना लूँ? अजी खाना तो रहने दो, मुझे तो वैसे भी भूख ना। भाई क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे, शाम होने वाली है। भाईजान जब तुम्हें पता मैंने यामिन भाईजान के बगैर कभी खाना खाया ही नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। वो आएंगे उनके साथ भी खा लेना, अब तो खा लो जो भूख है। जो होना होगा वो तो हो के रहेगा, अब तुम खाना खा लो। जिसको जितनी भूख है उतना तो खा लो। मेरा प्यारा भैया आ जा, दोनों भाई खाएंगे। भैया आप खा लो, मेरा तो मन ही नहीं है खाने का। लो मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ, मेरे हाथ से खा लो। लो देवर जी। लो मैं भी खिलाती हूँ। मन तो मेरा भी नहीं है पर खा लिया। बस भाभी भाईजान की याद आ रही है, रुखसाना पता ना किस हाल में होगी। फिकर ना करो, खुदा सब ठीक कर देगा। ये लो भाई खाना शुरू करो, खाओ भैया किस सोच में डूबे हो, खाओ खाओ। मालूम नहीं घर पे खाना खाया नहीं खाया, कहाँ होगी रुखसाना। आपने पूरी रोटी नहीं खाई, इसके पैसे नहीं लगते हैं हमारे यहाँ पे। नहीं पैसे की कोई बात नहीं, बस मेरा मन ही नहीं है। क्या बात है भाई, कुछ दुखी से लग रहे हो। हाँ बटियारी मैं बहुत दुखी हूँ, छोटे भाई की शादी करके लाए थे, उसकी दुल्हन पता नहीं कहाँ चली गई। दुल्हन छोटे भाई की? ओ तो वो तुम्हारे भाई की बीवी है। कहाँ है तुम जानती हो, तुम्हें कैसे पता? पता ही नहीं, मुझे यकीन है वो बंगाली बाबा पाखंडी ही लेके आया है, कल मैं उसे कपड़े भी देकर आई थी। तुम मुझे वहां लेके चलो, मेरा भाई तो रो रो के पागल हो गया और मेरा तो पूरा खानदान ही परे। देखो
वो बहुत खतरनाक है। सुबह लेकर चलूंगी। मेरे पास उसकी कुटिया की नकली चाबी भी है। तुम मुझे अभी लेकर चलो। अभी नहीं, वो जादूगर भी है, कुछ भी कर देगा। हाँ, सुबह मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगी। ठीक है जी। ठीक है भाई, अब तुम आराम करो, मैं भी आराम करती हूँ। हो सकता है जो भटियारन बता रही है वो सही हो। या अल्लाह रहम कर। चलो। हाँ जी चलो। बंगाल का बाबा जादू मेरी जान, झिलमिल के पेड़ पे तोता, तोते में मेरी जान, मुझको कोई मार न सके, खुदा या भगवान। बाबा दरवाजा खुला हुआ है। जब वो बाहर जाएगा ना, जब जाएंगे। रुकसाना बेटा, रुकसाना बेटा, उठ उठ बेटा, उठ उठ तेरा भाई जान में, उठ बेटा उठ। ये इसको क्या हुआ? नहीं उठेगी भाई, मैं जानती हूँ इसकी काट। पीछे हटो। ऐसा करो आप, इसे पलट दो। चलो रुकसाना बेटा, उठ उठ बेटा, उठ उठ तेरा भाई जान में, उठ बेटा उठ। रुकसाना रुकसाना बेटा, चल खड़ी हो बेटा, चलो जल्दी चलो। चल बेटा चल, चल जल्दी चल, चल बेटा चल, चल बेटा चल, रुकसाना चल बेटा चल। भाईजान, भाईजान। नहीं नहीं, रो मत बेटा, रो मत। भाईजान मुझे बचा लो, भाईजान, भाईजान, भाईजान मुझे लेके चलो, भाईजान, भाईजान, नहीं तो वो मुझे जान से मार देगा, भाईजान मुझे लेके चलो। चलो चलते हैं यहाँ से। और भटियारन, तूने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। और सुन भाई, उसके आने से पहले अगर तुमने 10 किलोमीटर तक पार कर लिया तो तुम बच जाओगे, वरना वो कुछ भी कर सकता है। उसका जादू 10 किलोमीटर तक चलता है। भाईजान चलो, भाईजान हम भाग कर चलेंगे। कर, चलो चलो जाओ, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। उस जालिम का खात्मा तो अल्लाह जाने कैसे होगा। चलो बेटा रुकसाना चलो। भाईजान वो मेरा शादी का जोड़ा। छोड़ बेटा उन्हें सब, यही छोड़, तेरे पास कोई कमी नहीं है, और दिलवा देंगे। चल चलो जल्दी चलो। या मेरे मौला, मेरे भाई पे करम करना, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीब है। या मेरे मौला, भाईजान की रक्षा करना। शेख जी,
या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे कुछ खाने का तो इंतजाम करो। चलो कुछ खा लो, या वो आएंगे जब ही खाओगे। अल्लाह ठीक करेगा। जिसे भूख हो वो खाना खा लो, मुझे तो भूख है नहीं अभी। चलो से नहीं भागा जा रहा भाईजान। अच्छा तो कोई छोड़ा भी नहीं गया। ओ ताला तोड़ा नहीं, खोला गया है। अभी बताता हूं। ओए गुरु, बनखंड गुरु, बंगाले में सोवे। ले मुर्दे की भेंट चढ़ाऊं, सच्ची सिद्धि होवे। अनवर भाई, अनवर भाई, अनवर भाई। मेरे से बच के जाना चाहती थी तू, मेरे से बचना इतना आसान नहीं। अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू भी क्या याद रखेगी। मैं इस घर में कब आ तू? मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। भाभी मुझे माफ कर दे, भाभी मुझे माफ कर दे, मैं तेरे गुनहगार हूँ भाभी। चुप करो, मानो ये सब झूठ है। हाँ शेख जी। शेख भाई तू रोवे मत, अभी तेरा भाई जिंदा है। अगर तू रोगा तो हम सबका क्या हाल होगा। मैं कैसे मान लू, कैसे मान लू अनवर भाई, या मेरे भाई से बता के मैं कैसे झूठ मान लू। ठीक है मेरे भाई, अगर मुझे भाई के लिए बलिदान देना है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, जा रहा हूँ मैं भी। भाई, भाई।
कौन था वो जिसके साथ तू गई थी? होता कौन, मेरे अपने थे। कौन था वो तेरा अपना? कोई भी हो, तुझे इससे क्या मतलब? मैं तेरे लिए सबको जान से मार दूंगा, और मैंने उसे भी बुत बना दिया है। अब वो कभी इंसान नहीं बन सकता। मुझे तो तुमने अपने पास बुला लिया, अब उन्हें तो इंसान बना दो। तू मेरे दुश्मन को इंसान बनवाना चाहती है? नहीं, कभी नहीं। तू इंसान नहीं पाखंडी, हैवान है हैवान। अगर मैंने तुझे 6 महीने न दिए होते तो मैं तुझे अभी अपनी हविष का शिकार बना देता। बना, मुझे अपनी आवाज का शिकार बना? पाखंडी बाबा, तूने एक औरत को कमजोर समझ रखा है, तुझे अभी नारी की शक्ति का अंदाजा नहीं है। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो भूल जाऊंगा कि मैंने तुझे 6 महीने का टाइम दे रखा है। एक बात सुन, अपनी हिफाजत कर ले 6 महीने खामोशी से रहकर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अंदर। देखो तुम लोग सब ध्यान से सुनो, मैंने भी भाई की तरह चिराग जला दिया है। जब तक ये जलता रहा तो समझना मैं जिंदा हूं, अगर ये बुझ जाए तो तुम लोग समझना जहां भाई गया वहीं मैं गया। भाईजान, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपके बिना क्या करूंगा यहाँ। हमारे साथ भी कोई रहेगा कि नहीं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे तो हम अपने देवर का दूसरा निकाह करा देते। क्या कहा ये कहने को कि एक औरत को घर से खो दिया, परिवार के मर्द हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे? जैसे उनकी समझ में आया उन्होंने बोल दिया। हाँ भाई जान, भाभी ठीक कह रही है, मैं रुखसाना तो भूल जाऊंगा, मगर अपने भाइयों को कैसे भूल सकता हूँ। कैसी कायरों वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है मैंने रुखसाना के घर वालों को ये बता रखा कि शेखो रुखसाना कहीं घूमने गए हैं। भैया बता दो, सच सच बता दो, कब तक छुपाओगे ये बात? आदमी तब तक जिंदा है जब तक वो अपनी इज्जत के लिए जीता है। अच्छा चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे। भैया भैया मुझे मिले जाते साथ में, मैं क्या करूँगा। भैया तुमने एक साधु सा देखा है, काले से कपड़े पहन रहा था, एक लेडीज थी उनके साथ। ना भैया मैंने तो नहीं देखा। देखा नहीं? ना। अच्छा भाई आगे देखता हूँ। भटियारी, भटियारी, बाबा तू? हाँ मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि मेरी कुटी का ताला तोड़ा नहीं, खोला गया है। क्या बाबा के बच्चे, तू मुझ पर शक कर रहा है? मैं तुझ पे शक नहीं, तू मेरी राजदार है, ये बात मैं तुझे समझाने आया हूँ। बाबा देख, मेरा नाम तेरी जुबान पर क्यों आया, मैं तेरा क्यों बुरा करूँगी? नहीं भटियारी, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं है। क्या हुआ, तेरी बेगम को कोई कुछ कह गया क्या? वो हमारी बेगम नहीं है, कुछ दिनों की बात है, जब बेगम बन जाएगी तो हमारी कुटी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तेरा ये ख्वाब खाबी रह जाएगा बाबा। क्या सोच रही भटियारी, तू हमारे लिए उसको बनाने की कोशिश कर, तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे, जो तू कहेगी वो देंगे। ठीक है बाबा, मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगी, अगर मानेगी तो। ठीक है फिर, हम भी कमाने खाने जाते हैं। ठीक है। हराम ज्यादे बाबा के बच्चे, ऐसा मनाऊंगी कि तू भी जिंदगी भर याद रखेगा। पूरा दिन हो गया, पता नहीं कहाँ हो गया, अल्लाह मियां किस हाल में होगी रुखसाना है? इससे पूछता हूँ भाई। हाँ जी। यहाँ पे कहीं मुसाफिर खाना है? हाँ भाई है तो मुसाफिर खाना है, यहीं पे एक बच्चियाँ रहती है और अच्छा खाना भी देंगे। कहाँ मिलेगी वो आ रही?
हाँ जी। आपका वो आदमी पूछ रहा। वो? हाँ ठीक है भाई। हाँ भाई क्या बात है? जी मुझे एक रात रुकना था। हाँ तो रुको, मेरे यहाँ मुसाफिर खाना है, चलो। ठीक है जी। भाभी 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 तो हम सब कैसे जिएंगे? बाजी अभी सबर करो, अभी क्या पता, अल्लाह पे यकीन करो। हीना मैं कैसे यकीन करूं? बाजी कैसे यकीन करूं? ये चिराग बुझ गया, उनके साथ कुछ ना कुछ हादसा तो जरूर हुआ है हीना। बाजी तेरी वजह से इस घर की खुशी बर्बाद हो गई, मैं क्यों नहीं मरा कहीं जाके? देख से एक चिल्ली के बच्चे, तू ऐसी बातें करके हमें रुलाता रहता है, तू क्यों नहीं चला गया रुखसाना को देखने के लिए? भाभी मैं तो भाई जान से कहा था, मगर भाई जान ने मुझे जाने नहीं दिया, वरना मैं चला जाता देखने के लिए। या अल्लाह रहम फरमा, हमारे परिवार की खुशियां लौटा दे। तो ये बात है, तुम्हारा भाई कहीं ना कहीं उस जादूगर का शिकार हो गया है, और रुखसाना भी उसी की कुटी में है अब तक। मुझे एक बार रुखसाना से मिलवा दो, मैं उसे लेके जाना चाहता हूँ, मेरा भाई रो रो के पागल हो गया है। एक बार मैं तुम्हारा दर्द समझ गई, मगर वो बाबा जादूगर है जादूगर, अगर उसे जरा से भी भनक पड़ गई तो वो तुम्हें भी खत्म कर सकता है। फिर? देखो मैं तुम्हें उससे सुबह मिलवा दूंगी, अब तुम आराम करो। ठीक है जी। अरे ऐसे नहीं, आराम से लेटो, मैं तो अंदर लेटूंगी। लेट जाओ। ले कुछ दिन की मोहलत और है, खाना खा ले। मुझे तेरे हाथ से अमृत भी नहीं खाना, ये तो खाना है। तुझे मैंने अपनी कुटी में इसलिए रखा कि मेरा दिल तेरी सूरत पे आ गया, मैं इसलिए तेरे आगे झुकता हूँ, वरना तेरी जैसियों की गर्दन काट के मैंने अपने गुरु सड़ानंद नाथ के आगे चढ़ा दी। पागल औरत। हाँ काट दे मेरा सर, चढ़ा दे भेंट, तिल तिल मरने से तो बेहतर है एक दिन मर जाना। अगर मुझे तेरी गर्दन भी काटनी पड़ी तो काट दूंगा, सिर्फ 6 महीने और इंतजार कर ले। खाएगी, खाना तो तू जरूर खाएगी हमारी मलिका बनने के बाद। या मेरे मौला, तू बड़ा रहीम और करीम है। या मौला तू सबका रखवाला है, हमारे घर की खुशियां भी लौटा दे, वरना वरना इस एक चिल्ली की शादी के चक्कर में पूरा घर बर्बाद हो गया। हमें क्या पता था उसकी शादी इतनी मनहूसानी थी, वरना हम शादी न करते। मगर रुखसाना का पता तो उस बाबा से ही पता चलेगा। कुछ भी हो, हुआ से एक चिल्ली के चक्कर में ही है। ऐसा करता हूँ मैं ही निकल जाता हूँ इस घर से। Thank you.
वो बहुत खतरनाक है। मैं ऐसे वक्त इसलिए लाई हूं तुम्हें कि वो बाबा कहीं गया हुआ होगा। लगता है बाबा अभी अभी गया है। रुखसाना, उठाओ इसे, उठाओ उठाओ। रुखसाना 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 रुखसाना। भाईजान भाईजान मुझे अपने साथ ले चलो भाईजान, जल्दी चलो भाईजान, बड़ों को तो उसने मार दिया। हाँ हाँ जल्दी चलो रुखसाना, घर के बहुत परेशान है, तुम जल्दी चलो। अगर तुम उसकी सीमा को पार कर सको तो जाओ, वरना रुखसाना को भूल जाओ। कोई सवारी मिलेगी? यहाँ तो पैदल का रास्ता है और वो भी जंगल का। फिर भाईजान फेर मत लगाओ, जल्दी जल्दी चलो। अम्मी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद करी। चलो रुखसाना चलो जल्दी चलो। क्या बेटी तूने मुझे अम्मी कहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जाओ बेटा जल्दी निकल जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। जाओ जाओ जाओ, जाओ चलो जल्दी जाओ। चलो रुखसाना चलो चलो। भाईजान जल्दी आओ। भाईजान संभल के। रुखसाना भाईजान कितनी दूर है और अभी? हाँ भाईजान अभी जेठ जी बहुत दूर है, हमें 10 किलोमीटर पार करना है। भी बुझ गया, अब हमारा क्या होगा? कैसे भाभी क्या हुआ क्या हुआ? भाभी भाभी हम तो तबाह हो गए, तेरी अच्छी दुल्हन लेके आए, मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। भाभी 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 मैं गुनाहगार हूँ, मैं अपने भाइयों का हत्यारा हूँ, घर से मैं ही निकल के चला जाता हूँ। हाँ हाँ अब तो तू जाएगा ही, जाना ही था तो तब क्यों ना चला गया जब तुझे ये बचपन में अपने साथ ले आए थे। क्या
अपने साथ लाए थे। हाँ हाँ, मुझे एक दिन तेरे भाई ने बताया था कि तू कहीं रोता हुआ अनाथ पड़ा मिला था तेरे भाई को। मगर मुझे तो कभी बताया ही नहीं भाईजान ने। उन्होंने तो कभी हमें भी नहीं बताया था, वो तो मैंने एक दिन पूछ लिया। तो क्या जो मेरे बचपन की फोटो है ये मेरी अम्मी की अब्बू की है। हाँ हाँ, ये अब्बू अम्मी तुम्हारे हैं, अनवर और यामीन के नहीं है। इना इना आकोल इना देखो भाभी, भाभी मैं अपने भाइयों की तरह चिराग लगा के जा रहा हूँ। खुदा पे भरोसा रखो, अगर अगर मैं इस घर की खुशियाँ वापस ला सका तो इस घर में आऊंगा, वरना इस घर में कभी भी नहीं आऊंगा। वरना मर जाऊंगा, जहाँ मेरे भाई गए वही चला जाऊंगा। अगर आज के बाद तूने ऐसी दोबारा गलती की मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तो मरे हुए से भी ज्यादा बदतर हूँ। तूने सब कुछ तो मेरा बर्बाद कर ही दिया है, मेरी गर्दन भी काट दे। ना, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं भीख मांगने पास के गांव जाया करूंगा, क्योंकि मुझे आखिर 6 महीने का इंतजार करना है। मुझे क्या करना है, मुझे तो मरना है। मारूंगा, एक दिन तुझे जरूर मारूंगा अगर तू ऐसी जिद पे अड़ रही तो। क्या बाजी, हमारी तो दुनिया लुट गई, हमारा क्या जीना है दुनिया में। हाँ हीना, हमारी तो दुनिया की सारी खुशियाँ ऊपर वाले ने छीन ली। बाजी, ये जलता हुआ चिराग। हाँ, जला के गया है, उसके निकाह होने से हम सब बर्बाद हो गए। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, सेक चिल्ली जला के गया, मैंने तो कह दिया तू कल हमारा ना, तू आज हमारा ना। क्या तुमने सब कुछ बता दिया शेख जी को? हाँ, मैंने तो बता दिया, मेरा तो दिल दुख रहा था। मगर हमें तो मना किया था बताने को। अरे मरने दे, ना वो कल हमारा ना वो आज हमारा, एक दिन तो उसे पता चलना ही था। बाजी, मैं शेख जी को गलत नहीं कहूंगी, जो भी मर्जी इसमें अल्लाह की मर्जी। हाँ हीना, तुम ठीक कह रही हो, हमें इस जलते हुए चिराग में तेल डालना चाहिए। हाँ। हो सकता है ऊपर वाला इस चिराग के जरिए से हमारी सारी खुशियां लौटा दे। हाँ बाजी, मैं तेल लेकर आती हूँ। मेरा सब कुछ खो गया रे, इब सोना सोना हो गया रे। मेरा सब कुछ खो गया रे, इब सोना सोना हो गया रे। दिल मेरा क्यों तोड़ गई तू, दिल मेरा क्यों तोड़ गई, और के था मेरा कसूर बता। इतनी दूर बता, दूर होने ते डरे थी आज क्यों, होगी इतनी दूर बता। देख्या कोन्या मुँह मेरे ते मोड़ गई,
देखे सपने तेरी गेलिया देखे सपने क्यों कर की चकना चूर बता दूर होने ते डरे थी आज क्यों होगी इतनी दूर बता दूर होने ते डरे थी आज क्यों होगी इतनी दूर बता लागे मन में पाठ काल जा आवे सै तेरी याद सतावे ते यो नरेश तवर समझावे सै भूख प्यास ना लागे मन में पाठ काल जा आवे सै तेरी याद सतावे ते यो नरेश तवर समझावे सै ऐसके कुलानिया यार तेरा यो ऐसके कुलानिया यार तेरा क्यों होया से मजबूर बता रखते दूर होने ते डरे थी आज क्यों होगी इतनी दूर बता दूर होने ते डरे थी आज क्यों होगी इतनी दूर बता या अल्लाह हमारी खुशियाँ लौटा दे या अल्लाह हमारे घर का सुकून वापस कर दे बच्चों हाँ बाबा कुछ बाबा को भी देता जाओ बाबा मेरे पास कुछ नहीं है मैं तो वैसे ही परेशान हूँ खुद दुखी आ रहा हूँ मैं तो मेरे पास कुछ नहीं है बाबा ठीक है बच्चों तुझे ऊपर वाला देगा भाभी भी बोल रही थी कि बाबा को भीख देने से ऊपर वाला नाराज नहीं होता मगर रुखसाना तो बाबा के पास गई थी इस बाबा से कुछ ना कुछ पता लग सकता रुखसाना का इसका पीछा करता हूँ समझ रहा था बाबा तो यहाँ रहे कुटी में अब थोड़ा दिन सा भी छिप गया कहीं रुकने का जुगाड़ देखता हूँ और बाबा से कुटी पर सुबह मिलूंगा ये बिल्कुल सही रहेगा हाँ होने को आई मैं तो बहुत दूर हूं घर से कहां रुकूंगा भाईजान 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 यहां कहीं गांव में कहीं रुकने का ठिकाना है जो रात काट ले मैं रुकने का ठिकाना हाँ 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 भाई साहब रुकने का ठिकाना है कहाँ है जमीला भटियारा ना है हाँ आप सीधे चले जाओ अच्छा गांव में बढ़ने के बाद हाँ। नीले घर का मकान है ठीक है भाईजान अम्मा सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बेटा बोलो कैसे आना हुआ अम्मा मैं बहुत परेशान हूँ अब दिन छिप गया तुम्हारे यहाँ रुकने का ठिया बताया हाँ रुक जाओ भैया लेकिन 100 रुपए लगेंगे मगर अम्मा मेरे पास पैसे तो है ही ना अरे जब तेरे पास पैसा ना है तो कैसे रुकेगा मेरा कुछ नहीं अम्मा मैं तो तुम्हारे यहाँ कहीं भी सो जाऊंगा 2 रोटी दे तो दे देना उन्हें ऐसे सो जाऊंगा मैं तो रोटी के पैसे थोड़े ही लेती हूँ मगर आज पहली बार किसी ने मुझे भटियारी नहीं अम्मा कहा है अम्मा चल रह ले ऐसे ही रह ले
मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ बेटा। अम्मा, आमी की सब्जी पकाओगी या चटनी? बेटा चटनी बनाऊंगी, खाएगा तू? लो, हम तुम्हारे लिए अमर फल लाए हैं। मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसे तो तू मर जाएगी। तू क्या सोचता है, मैं जी रही हूँ? हम तुझे जिंदा रखना चाहते हैं। कुछ दिनों की तो बात और है, उसके बाद तुझे दुनिया की हर खुशी हम देंगे, तुझे हम। मेरा शरीर भी उतने ही दिन जिंदा है जिस दिन तेरे नापाक हाथ लगे। तेरे हाथ लगने से पहले ही मैं अपनी जान दे दूंगी। मरना बहुत कठिन काम है हुस्न की मलिका। मैं अभी मर के दिखा देती, मगर मुझे अभी आस है जीने की। तेरी आज मैं हर आस खत्म कर दूंगा। नहीं, वो लोग बोल कर गए थे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बाजी, मगर हमें अपने अब्बू और अम्मी को तो बताना पड़ेगा। नहीं ही ना, जब तलक ये सेक चिल्ली का जलाया हुआ चिराग जल रहा है, हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तू बता, छोड़नी चाहिए या नहीं? हाँ बाजी, ये बात तो तुम सच कह रही हो। चल तो चल, इस दिए में तेल डालते हैं। ये तो कह रहा मेरे पास पैसे ना, उसकी जेब में तो नोट दिख रहा। अम्मा, तुम रो रही हो, क्या हुआ? बेटा, ये फोटो तुझे कहाँ से मिला? ये मेरी अम्मी और मेरे अब्बू का और मेरे बचपन का फोटो है। मेरी अम्मी जिस दिन से मेरे से बिछड़ी, उस दिन से ही मैं इसे अपनी जेब में रखता हूँ अपनी अम्मी को। मेरी अम्मी मुझे बहुत याद आती है, क्या तुम इन्हें जानती हो? बेटा, तू कहाँ कहाँ है, कहाँ जाएगा और तेरा नाम क्या है? कहीं नहीं जा रहा, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटा सारी बात बता। अम्मा, मेरे अम्मी अब्बू तो मुझे पहले छोड़ के चले गए, और मेरे दो भाई, मेरी भाभी। रुखसाना तेरी बहू है? क्या नाम बताया बेटा तूने अपना? मेरा नाम शेख चिल्ली है। मेरी अम्मी मुझे प्यार से शेख कहती थी। क्या तुम रुखसाना को जानती हो? या मेरे मौला, आज तूने मेरे झोले खुशियों से भर दी।
मेरे 25 साल का इंतजार खत्म हो गया। बेटा मैं तेरी अम्मी हूँ। क्या तुम मेरी अम्मी हो? बेटा अम्मी तुम छोड़ के कहाँ चली आई अम्मी? चुप हो जा अम्मी। चल बेटा। देख के गया था इसे। अच्छा हाँ। रोजाना तुम्हें पता मेरी अम्मी है, ये मेरी अम्मी है। क्या? हाँ। अम्मी 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 तुम शेख जी को बचा लो अम्मी। अम्मी मेरा क्या है, मैं आज नहीं तो कल मर ही जाऊंगी अम्मी। अम्मी अम्मी सारी बात बाद में करेंगे, तुम रोजाना को ले चले यहाँ से। नहीं बेटा, मैंने दो बार गलती करके अपने दो बेटे खो दिए, अब तीसरा नहीं खोना चाहते, नहीं खोना चाहती। फिर अम्मी? फिर क्या बेटी, जब बाबा शाम को आए तो उससे ये पूछना कि तुम तो बाहर चले जाते हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो तुम्हारे सहारे हूँ। ठीक है अम्मी। ठीक है ना रुखसाना, होशियार से काम करना जो अम्मी ने बताया। ठीक है अम्मी, मैं सब समझ गई। ठीक है बेटी, अब तू ऐसा कर अंदर लेट जा। जा तो जा अंदर जा, और बेहोशी का नाटक करना। चल बेटा बंद कर दे। खाना खाया? तुम मुझे इतना प्यार करते हो और इतनी प्यार से बातें करते हो, अगर मैं 6 महीने से पहले ही हार मान जाऊं तो मैं ये समझूंगा कि जंग होने से पहले मैं जंग जीत गया। अच्छा एक बात बताओ। पूछो। तुम तो पूरे दिन बाहर घूमते रहते हो, कहां कहां जाते रहते हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही हो सकता है, क्योंकि मेरी जो जान है वो किसी और चीज में कैद है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी मौत लाने वाले को पहले अपनी मौत से लड़ना होगा। वो कैसे? तो सुन, मैं
तुझे बताता हूँ। झिलमिल का पेड़ सारंग वन में एक पिंजरा लटका हुआ है। उस पिंजरे के अंदर एक कबूतर है। उस कबूतर में मेरी जान जान बसी हुई है। जान, अगर वो कबूतर मर जाए तो मैं मर सकता हूँ, वरना मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं है। फिर तो मैं अपने 6 महीने वाला फैसला 6 दिन में बदल सकती हूँ। बंगाली बाबा खुश हुआ, अब मैं तेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाया करूंगा, अच्छे अच्छे कपड़े लाया करूंगा, मैं तुझे दुल्हन बना के रखूंगा, मेरी मलिकाए नूर। बेटा क्या सोच रहा है? ज्यादा मत सोच, बाबा चला गया होगा, चल जल्दी। चलो चल। अम्मी, तुम्हारी तरकीब काम कर गई। रुखसाना, बाबा ने कुछ बताया? हाँ शेख जी, बाबा ने बताया सरन वन में एक झिलमिल का पेड़ है। उस पेड़ पे एक पिंजरा है और उस पिंजरे में एक कबूतर है। उस कबूतर में ही उस बाबा की जान है। अगर वो कबूतर मर गया तो वो बाबा मर सकता है, वरना तो बाबा को कोई नहीं मार सकता। चल शेखू बेटा, पहले उसे ही देखते हैं। ठीक है अम्मी, इस हरामजादे को सबक सिखा के मानेंगे। हाँ, लेकिन अम्मी जरा संभल के, कहीं उसे पता ना चल जाए। अच्छा चल, तू अंदर चल। ठीक है। हाँ, ठीक है शेख जी। शेखू बेटा चल। बाबा, अगर मैंने भी तुझे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी जमीला नहीं जमीला। अम्मी। हाँ बेटा। पेड़ तो जब मिलेगा सरन बनी ना मिल रहा हमें तो। बेटा मैं तो थक गई हूँ बहुत ज्यादा, अब मुझसे तो चलाने जा रहा। अम्मी आ, कहीं ना कहीं तो मिलेगा बेटा, इधर तो ना जा रहा वो रास्ता। बेटा देखना ये बोर्ड सा क्या लग रहा। हाँ, हाँ बेटा यही है। यूं सही बोर्ड लग रहा, इसको दिखा रहा है। हाँ, 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 इधर ही चल। इसका मतलब अम्मी ये सरन बन है। चल बेटा चल जल्दी, इसे भी ढूंढेंगे। चल अम्मी चल। अम्मी सरन बन तो यही है, बोर्ड दिखा रहा है सारा। झील मिल का पेड़ कहाँ? सब आम के पेड़ है, आम लग रहे हैं मोटे मोटे। मुझे भी नहीं दिख रहा बेटा वो तो। अम्मी अम्मी देखी, ये बड़ा सा पेड़ है, झील मिल का पेड़ ये होगा ना। देखिए ऐसा ही होता है ना, देखिए होता तो ऐसा ही है बेटा। देख इस पे तो नहीं टंगा पिंजरा। देख पिंजरा पिंजरा तो नहीं दिखाई दे रहा इसका। देख कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा बेटा। देख तुझे दिखाई दे रहा हो तो कहीं। नहीं अम्मी, इसमें तो नहीं दिख रहा कोई भी, कुछ भी नहीं दिख रहा। चल आगे चल, चल बेटा आगे। Thank you.
अम्मी 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 उठ जा उठ जा। कैसे करंसी पकड़ रही है। झिलमिल का ही पेड़ बेटा, लेकिन पर पिंजरा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अम्मी हाँ, इस पे तो कोई पिंजरा है नहीं। हाँ बेटा, इस चलो और आगे देखते हैं। ये तो बन बहुत बड़ा अम्मी। हाँ बहुत ही बड़ा है और खतरनाक भी है बेटा। चलो अम्मी, अगर रुखसाना को बचाना तो अम्मी ढूंढना तो पड़ेगा। हाँ चल बेटा। तो रुखसाना को बचा ले अम्मी। चल 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 चल। अब इधर भी चलेंगे अम्मी। इधर किधर चले अम्मी। हाँ। ये पेड़ लग रहा अलग सा कहीं भी, इसे पिंजरा ना कहीं भी। अम्मी पिंजरा तो बोरा बोरा। हाँ बेटा, ये तो बहुत ऊंचे पे। अम्मी अम्मी ऐसा करते हैं, डले वाले से मार के देखते हैं, अगर टूट जाएगा तो ठीक रहेगा। हैं डले ढूंढता हूँ, डले ढूंढो पहले। लम्बी तू ला मारो अम्मी। ओ बेले लग गया अम्मी, लग गया। हालात तो सही। अले क्या क्या लग गया अम्मी, है इतना गिरा। अम्मी इसमें लग तो गया, इससे तो गिरा नहीं हूँ। बेटा मुझे ऐसा लगता है चढ़ना पड़ेगा। चढ़ जाऊँ अम्मी। बेटा मैं चढ़ती हूँ। ना मैं, तुम रहने दो, मैं चढ़ता हूँ, चढ़ जाऊंगा मैं। चढ़ जाएगा? हाँ तो चल चल, चढ़ जा बेटा, जा चल, कोशिश करके देख। चढ़ जा बेटा। ले अम्मी। अच्छा सावधानी से उतरना। ओह तो ये कबूतर है, इसमें जान है उसकी। बंगाली बाबा, मेरा भी नाम शेख चिल्ली है। बंगाली बाबा आज तेरा तंत्र मंत्र फिर निकाल दूंगा। अम्मी। हाँ बेटा। साले की शकल भी बंगाली बाबा जैसी है। इसका मतलब वो ये है साला, मुझे मिला था ये परसों। मिला था? हाँ।
मुझे शक तो हुआ था, लेकिन मैंने सोचा ये पाखंडी नहीं है। जोर कर रहा अम्मी? हाँ बेटा। इसकी एक टांग तोड़ देता हूँ साले की। तू ठीक कह रहा बेटा, ठीक कह रहा, तू तोड़ दे कंबखत के। ये ले साला। रुक बेटा। हाँ अम्मी। ऐसा कर, इस कमीने की दूसरी टांग भी तोड़ दे। चल बेटा, फड़फड़ा रहा, फड़फड़ा रहा साले, फड़फड़ा। शेखू बेटा। हाँ? सुन मेरी बात, इस हराम जादे की गर्दन यही मरोड़ दे। नहीं अम्मी, इसकी गर्दन ऐसे नहीं मोड़ूंगा। देख चल पहले से ढूंढ दे कहाँ साला। बंगाली पाखंडी कहीं के? मैंने तुझसे कहा था ना, तेरा ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। हराम जादे बाबा, अब मरते मरते कुछ तो नए काम करता जा। क्या क्या नए काम करूं? मैंने जिंदगी में मुझे तो माफी शर्म आ रही है। हम ज्यादा बंगाली बाबा, अगर तेरे अंदर खुदा का जरा भी खौफ है तो तू बस इतना बता दे कि मेरे भाई कहाँ हैं और कैसे मुझे मिलेंगे। तू अपने भाइयों को जिंदा देखना चाहता ना, भाइयों को जिंदा देखना चाहता है ना? हाँ। तो पहले पैर हट रहा। मैं मेरे गुड़िया में एक अमृत की शीशी है, उसे 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 अपने भाइयों पे छिड़क देना, वो फिर इंसान बन जाएंगे। देख क्या रहा है शेखू, तोड़ दे इस हरामजादे की गर्दन। आने वाला कोई भी बाबा कई बार सोचेगा कि मैंने अपना काल बतला करके कितनी बड़ी गलती की है। ऊपर वाला सब देखता है बंगाली बाबा, बस मुझे मेरे भाई मिल जाए तो खुदा का बहुत बड़ा कर्म होगा। शेख जी मुझे पता है भाईजान कहाँ कहाँ पर है, मैं बता दूंगी। तुम ऐसा करो, अमृत की बोतल ढूंढ लो पहले। हाँ बेटा जा जल्दी कर। चलो चलो। बाबा थू थू थू।
हीना, मुझे लगे है सेक चिल्ली बहुत खुश है, अल्लाह उसे सलामत रखे। बाजी, तुमने उन्हें कुछ कह दिया था क्या जो वो तुमसे नाराज है? हाँ, मैंने गुस्से में न जाने उसे क्या कुछ कह दिया, मेरा प्यारा देवर सेक चिल्ली। देखो अम्मी, भाईजान, ये तो वाकई पुतले बन गए। दवाई छिड़क देता हूँ। छिड़को सेक जी, जल्दी जल्दी छिड़क बेटा। भैया, मेरे भाई सेक। भटियारी तुम? नहीं नहीं भाई जान, भटियारी नहीं है, अम्मी है, अम्मी। अम्मी, छोटे भाई जान आ गए हैं। बेटा जल्दी चलो, बाद में बताऊंगी। चलो 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 चलो। ये रहे भाई जान, ये रहा भाई जान। हैं, जल्दी करो, दवाई दवाई करूंगा, दवाई डालू। ये ले, ये बाजी, बाजी, या मेरे मौला, बाजी जल्दी आओ। क्या हुआ? बाजी, बाजी देखो, अरे बाजी। या मौला, तेरा शुक्र है, ये तेरा कैसा करिश्मा है, तूने हमारे तीनों चिराग जला दिए। बाजी, हीना, मेरी आंखें उन दोनों को देखने के साथ साथ अपने प्यारे देवर को देखने के लिए भी तरस गई है। भाभी, बाजी, ले ले, देवर आ गया, आ गया तेरा देवर। अरे आ जा, सुन लो, चुप हो जा, छोटी चुप हो जा। तुम लोग हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे, और ये कौन है? भाभी, ये अम्मी, अम्मी हमारी अम्मी है, खुदा ने हमें अम्मी से भी मिला दिया। अम्मी, 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 देखो भाई, मेरे बच्चियों, या खुदा, तेरी कितनी रहमत है, मुझे तीन तीन बेटियों से मिला दिया, अम्मी, और तीन तीन बेटों से मेरा पूरा परिवार मिल गया, अम्मी। शेख जी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया। भाभी, अगर तुम मुझे बुरा भला न कहती, ना मैं घर से जाता और ना ऊपर वाला हमारे परिवार को मिलाता, क्यों भैया जी? हाँ, हमें अब ऊपर वाले से कोई गिला नहीं है। तो अब हम एक मिलेंगे। तो दोस्तों, एक ही बात है, खड़ा हो जा। और रेडी आ चुकी है जो एनडीजे कंपनी के हम नया फूड करने जा रहे हैं, अभी नारे फूड ने जा रहा है। तो दोस्तों आइए और लेते उस परमात्मा का नाम और करते हैं मुहूर्त एक नारे फोड़ कर। हमारे डॉक्टर साहब बोलेंगे, हमारी बोले डॉक्टर साहब, पढ़ दे, पढ़ दे। हाँ दोस्तों, हाँ हाँ, आज हमारी एनडीजे म्यूजिक कंपनी की फिल्म शेख चिल्ली के परिवार की शूटिंग शुरू कर रहे हैं, जो बहुत उम्दा बेहतरीन फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है, इमोशनल फिल्म है। और आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप जैसे हमारी फिल्मों को प्यार देते रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। अब हमारा वो शुभ घड़ी का समय आ गया है, हमारे फिल्म का मुहूर्त शॉट हमारे बेटे शिवम कुमार जी नारियल फोड़ के करेंगे। एनडीजे के सुप्रीमो शुभम जुनेजा, शुभम जुनेजा, शुभम जुनेजा जी नारियल फोड़ के शंकर भगवान की जय। नारियल भी खिलाओ कैमरे को, बोलो सच्चे दरबार की जय।